चल फिर तो चल निकल शैतान इसके पेट से शट चल छट 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 छोड़ इसके पेट चल छोड़ 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 चल छट आउट चल आज तेरा लास्ट दिन है शैतान चल छोड़ छोड़ उससे चल आज तेरा लास्ट दिन है निकल 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 पूरी तरह से चल छोड़ उससे छोड़ आउट चल गंदी आत्मा चल 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 आज तेरा लास्ट दिन है चल छोड़ चल गंदी आत्मा चल 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 आज चल तूने बहुत दिन इसके जीवन में राज कर लिया आज तेरा लास्ट दिन है चल लास्ट दिन है तेरा चल छोड़ दे तो प्रेरित जी जब बहन बता रही कि एक साल हो गया है जब बता रही कि इनसे अपने घर का काम भी नहीं होता जी बहुत कम काम करते उस समय इनको थकावट हो जाती है इनके बॉडी में भारी पन रहता है जब बता रही कि जैसे ही आज प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई उससे समय जब बता रही कि जब ये खाना खाते वो भी इनको पचता नहीं सुबह भी इन्होंने बताया कि जब खाना खाया इनको पचा नहीं और बहुत ज्यादा जो परेशान थे और जैसे ही इन्होंने बताया कि इनके लिए प्रार्थना हुई उससे समय जो बता रहे जैसे दुष्ट आत्मा इनसे निकला इनको ग्रेस ने टच किया जब भी बता रहे कि जो पूरी तरह से हील हो चुके इनको अब इसी समय इनकी बॉडी में हल्का महसूस हो रहा है इसको जोर से जोर से अनोखे काम करदाए जोर से तारीफ करो करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए करदाए यहोवा खुशी से आमेन जिनकी रीढ़ की हड्डी की आगे आ जाओ एक साइड पे आ जाओ सारे जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है एक साइड पे आ जाओ सारे चल आउट चल पूरी तरह से छोड़ इसकी कमर को चल छिता आउट चल 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 आउट 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 शट 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 चल पूरी तरह से आउट यीशु के नाम से दर्द देने वाली गंदी आत्मा चल उखड़ जा चल छोड़ उसकी उखड़ की हड्डी पर हालेलुया तो प्रेरित जी जी बहन बता रहे कि 15-16 साल से इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती थी जब बता रहे कि जे कोई भी भारी काम नहीं थे कर सकते और जब भी जब नीचे झुकते थे उस समय भी इनके बहुत ज्यादा दर्द निकलती थी और जैसे ही इनके लिए प्राप्त हुए जब बता रहे कि उससे समय प्रभु की आत्मा इनको छुआ जे बिल्कुल इस दर्द से अभी फ्री हो चुके हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए हालेलुया तो प्रेरित जी से ब्रदर बता रहे कि 2 महीने हो चुके थे इनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी जो झुक भी नहीं पाते थे जैसे अभी प्रेयर हुई जी बता रहे कि उसे समय प्रभु की ग्रेस से इनको शुआ जे बिल्कुल इस दर्द से फ्री हो चुके अभी जो झुक भी पा रहे हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए हालेलुया तो प्रेरित जी जो बहन बता रहे कि 6 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती थी जे भी जब झुक नहीं सकते थे जैसे जो झुकते थे तो बहुत ज्यादा दर्द होती थी और जैसे इन्होंने आज हीलिंग को रिसीव किया जैसे बिल्कुल इस प्रॉब्लम से परमेश्वर इनको फ्री कर दिया हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया चक्कर अभी आप झुक कर दिखाए देखो परमेश्वर तुरंत काम करता है हालेलुया झुको शैतान छोड़ इसके चल पूरी तरह आउट छोड़ की हड्डी को आउट छट चल शैतान छोड़ पूरी तरह से इसे शट आउट 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 फ्री फ्री पूरी तरह से आउट शट शट चल शैतान तुझे उखाड़ता हूं चल इसकी हड्डी से आउट Out the name of Jesus. Free.
चेक करो तो प्रेरित जी फ्री सिस्टर बता रहे कि एक साल से इनके बैक पेन रीढ़ के हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, बता रहे ज्यादा समय खड़े नहीं हो सकते थे और जैसे अभी इनके लिए प्रार्थना हुई इसी समय जब बता रहे कि प्रभु की ग्रेस ने इनको शिवा जब बिल्कुल अभी परमेश्वर ने इनको फ्री कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। सिस्टर अभी आप झुक कर बताएं। हालेलुया। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए। चल पूरी तरह से शॉर्ट स्टम शट आउट 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 द नेम ऑफ जीसस। चलो कृष्णदान शट। हालेलुया। तो प्रेरित जी ये बहन बता रही कि 3 महीने हो चुके इनके डिस्क की प्रॉब्लम थी जिसके कारण इनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, जो कोई भी अपना घर का काम नहीं कर सकते थे और ये बता रही कि जैसे आज प्रार्थना हुई उसी समय प्रभु की ग्रेस ने इनको शुआ जो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके, अभी जो पूरी तरह से नीचे झुक भी सकते हैं। हम सब तारीफ करेंगे पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से परमे को आजाद कर दिया, अभी जो झुक भी सकते हैं झुक कर बताइए सिस्टर जी झुकिए अभी आउट। यस हालेलुया। हम सब तारीफ करेंगे क्रिश्चियन सब गवाहियों के लिए परमेश्वर की महिमा।